नमस्कार, द रूस्ट न्यूज में आप सभी का स्वागत है। घटना है तीन जिलों की। यहाँ के 150 से भी ज्यादा गांवों के किसान बूंद बूंद पानी के लिए भीख मांगने में मजबूर हो चुके हैं। ये भीख मांगने के लिए इसलिए मजबूर हुए हैं, इसलिए धकेले गए हैं, क्योंकि इनके पीछे जिसका हाथ था वो बहुत बड़े बाबू थे, सरकारी तंत्र था और बहुत बड़े बड़े राजनेता थे। जी हाँ, हम चर्चा कर रहे हैं पुदुकोटई, शिवगंगई और तंजावुर डिस्ट्रिक्ट के आसपास के 150 गांव और वहां पे बसने वाले किसान। इनकी दास्तां बहुत ज़्यादा गंभीर है। 28,000 हेक्टेयर ज़मीन जो कि वन विभाग की थी, जहाँ पर तमाम तरह के जानवर बसा करते थे, रिजर्व फॉरेस्ट था, जिसको जहाँ पर आप किसी भी तरह की कटाई छटाई या फिर गतिविधियाँ नहीं कर सकते अपने किसी भी फायदे के लिए। लेकिन जो यहाँ पे हुआ वो इसका एकदम उल्टा उदाहरण है। यानी सन 1950 में यूकेलिप्टस ट्री हिंदुस्तान आता है, जो कि नीलगिरी फॉरेस्ट में लगाने के लिए ऑस्ट्रेलिया से। उसका ये फ़ायदा था कि वहाँ पर जितने भी चाय के बागान थे वो सर्दियों के समय पे नष्ट हो जाते थे। ये एक ऐसा पेड़ है जो एटमॉस्फेयर में, जो वातावरण में जितनी भी नमी होती है उसको खींच लेता है, और उसके साथ साथ जो ज़मीन में नमी है उसको भी खींच लेता है। तो जिस जगह पर बरसात ज़्यादा होती है या फिर जिस जगह पे नमी ज़्यादा है, वहाँ पर अगर इस पेड़ को लगाया जाए तो ये फ़ायदा देता है। लेकिन अगर इस पेड़ को किसी कम बारिश होने वाली जगह पे लगा दिया जाए तो उसके जो असर है वो बहुत ज़्यादा गंभीर और ख़तरनाक है। किसी ने भी शायद इसमें शोध नहीं किया था, लेकिन इसकी खेती शुरू हो गई। कुछ एक ऐसे राजनेता, कुछ एक ऐसा सरकारी तंत्र और इसके साथ साथ वन विभाग, इन तीनों की ही मिलीभगत से कुछ ऐसा घोटाला हो गया, जिसकी वजह से आज जो किसान पहले से ही नीचे बहुत खराब स्थिति में जीने के लिए मजबूर है, वो आज अपनी गरीबी की अंतिम सीमा में खड़ा है, पुकार रहा है हम सभी को कि शायद हम लोगों में से कोई ना कोई उनकी मदद कर दें। इस पूरी घटना को समझने के लिए सबसे पहले ये समझते हैं कि किसान वहाँ पे कितना खुशहाल था। एक ज़माना था जब इस इलाके में तीन नदियाँ थीं, जिन नदियों का नाम है पालार, पामबार और वेलार। इसके बाद यहाँ पे हर एक गांव में कम से कम नहीं तो 3 से 4 तालाब थे, बड़े बड़े तालाब थे। तकरीबन 450 से 500 तालाब जो सूख चुके हैं। इसके बाद कई सारे कुएं थे, यानी हर घर पे, हर दूसरे घर पे कुआं हुआ करता था, यानी हज़ारों की तादाद पर कुएं। उसके बाद पानी का जो स्रोत होता है, जहाँ पे ये लोग पीने का पानी जहाँ पे इकट्ठा करते थे, वो भी हर गांव में 2 से 3 कुएं थे। इन सभी का अगर आप हिसाब लगाएं तो 3 नदियाँ, 450 से 500 के आसपास के तालाब, न जाने कितने पानी पीने के स्रोत और हज़ारों की तादाद पे कुएं बर्बाद हो चुके हैं, नष्ट हो चुके हैं, या इन तमाम जगहों पर एक बूंद पानी भी नहीं है। हद तो तब हो गई है कि वहाँ पर अब जो महिलाएं हैं जिनके पास बिल्कुल भी पानी नहीं है, वो उन कुओं पे जाके और गहरे गड्ढे खोदती हैं। उसके बाद जो थोड़ा थोड़ा पानी वहाँ पे रिसता है उसको एक ग्लास में निकाल कर घड़ों में भरने की कोशिश करती हैं। इस पूरे प्रकरण में 4 घंटे से भी ज़्यादा का समय लगता है सिर्फ एक घड़े को भरने में। ये जो यूकेलिप्टस ट्री की जो खेती है, इसको सन 1970 के आसपास वहाँ के राजनेताओं और सरकारी तंत्र ने इन भोले भाले किसानों को जाके ये बताया कि इन जो फॉरेस्ट है, ये जो जंगल है, इसके एक भाग में, एक हिस्से में हम ये यूकेलिप्टस ट्री लगाने वाले हैं। इससे फ़ायदा आपको बहुत होगा, जो आपको लकड़ियाँ, सूखी लकड़ियाँ जो जलाने के लिए चाहिए चूल्हों के लिए, वो आपको मुफ्त में मिल जाएगी। इस पेड़ की वजह से आपको बहुत फ़ायदा पहुँचने वाला है। जो ये पत्तियाँ हैं, इन पत्तियों से तेल निकलता है, यूकेलिप्टस का ऑयल निकलता है, जो आपके लिए फ़ायदेमंद होएगा। इसके अलावा इसमें गोंद निकलता है, जो कि लकड़ी और चमड़ा चमकाने के काम आता है, जो बहुत महंगा बिकता है बाज़ारों में। उसके अलावा यहाँ पर इस पेड़ से कागज़ बनता है, यानी यहाँ पर कागज़ की भी फैक्ट्री आएगी, तो आप सभी को रोज़गार मिलेगा। ये तमाम वायदे उनके साथ किए गए और ये जितने भी भोले भाले किसान थे इनको बेवकूफ़ बनाया गया। धीरे 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 देखा गया कि पूरा का पूरा जंगल साफ कर दिया गया और उस जंगल की जगह आ गया बहुत बड़ा यूकेलिप्टस ट्री, यानी सफ़ेदे के पेड़ का एक बड़ा सा जंगल। एशिया का सबसे बड़ा जगह जहाँ पे यूकेलिप्टस ट्री
उगाया गया है वो शायद यही है। अफ्रीका और कई सारे ऐसे देश हैं जहाँ की सरकारें इसको बैन लगा चुकी हैं और ये तक कह चुकी हैं कि कृपया करके इस पर्टिकुलर पेड़ को वहाँ पर ना लगाया जाए। इसके फायदे कम और नुकसान ज़्यादा हैं, यानी वो जगह जहाँ पे बारिश कम होती है या फिर वो जगह जहाँ पे पानी का स्रोत कम है, वो तमाम जगह अगर ये पेड़ आ जाता है तो वहाँ पे जितना भी पानी है वो सारा सूख जाता है। यानी ये एक ऐसा पेड़ है, अगर इसको पानी की तलाश में इसकी जड़ों को जितना भी नीचे जाना पड़े जा सकता है, इसकी जो जड़ें हैं वो 3 मंजिला नीचे जा सकती हैं, यानी 30 फीट से भी ज़्यादा नीचे धरा के अंदर जा सकती हैं और वहाँ से पानी सोख कर ये पेड़ बढ़ता चला जाता है। ये वहीं तक नहीं रुकता है, एटमॉस्फेयर में जितना भी पानी है उसको भी ये सूख लेता है। यानी हकीकत ये है कि मान लीजिए उस इलाके की जो गर्मी है, जो टेम्परेचर है, वो 35 डिग्री सेल्सियस है, तो इस पर्टिकुलर इलाके में यानी जहाँ पे यूकेलिप्टस ट्री है उधर का तापमान 3 डिग्री बढ़ जाता है, यानी 35 की जगह 38 डिग्री सेल्सियस हो जाता है। यानी आपके आसमान में नमी नहीं है, ज़मीन पर पानी नहीं है, तो बारिश नहीं होती है। इस जंगल के आसपास यानी 5-6 किलोमीटर के आसपास खूब बारिश होती है, पानी अच्छे से आता है, लेकिन इस जंगल के आसपास जितने भी गांव हैं वो सब सूखे में हैं, अकाल वहां पे आ चुका है। यह सरकारी तंत्र और सरकारी बाबू यहीं तक नहीं रुके, जंगल के अंदर अगर आप जाएं तो 3 फीट चौड़ा, 3 फुट गहरा और तकरीबन 100 फीट लंबा हर जगह ये गड्ढे खोद चुके हैं, जिससे होता यह है जब बारिश होती है तो जो भी पानी उस जंगल में आता है वो जंगल के अंदर ही रह जाता है, यानी सारा पानी जंगल के अंदर ही रह जाता है, जो कि ये यूकेलिप्टस ट्री को बढ़ने में सहायक होता है और यूकेलिप्टस ट्री ये सारा का सारा पानी खींच लेता है। जब जंगल से पानी बाहर ही नहीं आएगा तो नदी नाले कैसे भरेंगे, अगर नदी नाले के नहीं भरेंगे तो तालाबों तक पानी कैसे जाएगा, तालाबों तक पानी नहीं गया तो एक गरीब किसान अपनी किसानी कैसे करेगा, वो पानी कैसे पिएगा, ये इस चीज़ की किसी को भी सुध नहीं थी। आज लोगों को सैकड़ों किलोमीटर आगे चलना पड़ता है, काफ़ी पैसा खर्च करना पड़ता है, 150 से 200 फिट नीचे तक जाकर भी पानी नहीं मिलता है। ये हालात हैं पुदुकोटे डिस्ट्रिक्ट के, वहाँ पर आज भी जितने भी किसान हैं वो सुसाइड कर रहे हैं, वो लोग सड़कों पर खड़े हैं, सिर्फ उनकी एक मांग है कि ये जो जंगल आपने बसाया है इसको कृपया करके उखाड़ फेंकें, हमें वो पुराने पेड़ लगा दें, नीम का पेड़ लगा दें, ऐसा कोई पेड़ लगा दें जिसमें फल आए, छाएँ मिले, जिसकी वजह से बारिश हो और हमारी जो किसानी है ये दोबारा से फल फूल सके, जो हमारी फसलें हैं ये दोबारा से लहरा सकें। हम आपको वो भी बात बताते हैं जो 30 साल पहले यहाँ के किसान थे, हर 3 महीने में इनकी एक फसल कटती थी, यानी सब्जियाँ यहाँ पे सबसे ज़्यादा उगती थी, पूरे तमिलनाडु का जो सबसे ज़्यादा सब्जियाँ उगाने वाला जो क्षेत्र है वो यही था। इसके बाद चावल, धान, तमाम तरह की खेतियाँ यहाँ पर होती थी, आम के बाग थे यहाँ पर, काजू के बाग थे, किशमिश के बाग थे, यहाँ पे हर तरह की खेती होती थी। अगर यहाँ की आप मिट्टी देखें, यहाँ पे काली मिट्टी और लाल मिट्टी दोनों तरह की मिट्टियाँ हैं, ये दोनों ही मिट्टी बहुत ज़्यादा उपजाऊ है। यूकेलिप्टस ट्री ने इन तमाम मिट्टियों का जो भी ताकत थी, जो भी इन पे पोषक तत्व थे वो भी ख़त्म कर दिए, यानी अगर आज हमने इन पेड़ों को उखाड़ भी फेंका तो भी अगले 5 सालों तक इसमें किसी भी तरह की खेती नहीं हो सकती, किसी भी तरह का फल फूल वाले पेड़ नहीं लग सकते हैं। इतने ड्रॉबैक के साथ भी क्यों सरकार इन पेड़ों को हटा नहीं रही है, ये सबसे बड़ा सवाल है। कौन वो बाबू लोग हैं और कौन वो सरकारी तंत्र है और कौन वो राजनेता हैं जिनके हाथ में इतनी बड़ी ज़मीन, यानी 1.5 लाख से भी ज़्यादा एकड़ की ज़मीन जिसके हाथ में पहुंच चुकी है और जो इसको नहीं छोड़ना चाहता है। 50 साल की लीज थी जो इस साल ख़त्म हो रही है और ये जो पूरा तंत्र है ये वापस से जुड़ चुका है कि ये 50 साल और एक्सटेंड हो जाए और ये जो यहाँ के गांव किसान के लोग हैं ये इस अपनी खुद की ज़मीन को भी इनके हवाले करके कहीं भाग चले जाएँ। किसानों के बारे में हर राजनेता बात करता है, किसानों के बारे में हर इलेक्शन के टाइम पे बात करी जाती है, किसानों की सुध को ही नहीं लेता है। अगर किसानों के पास पानी नहीं होगा तो वो खेती कैसे करेगा, ये एक बहुत गंभीर समस्या है जो कि एक या फिर 2 परिवारों की नहीं बल्कि 10 से 15 लाख लोगों की ज़िंदगी का सवाल है। यहाँ पे तमाम वो बच्चे हैं जो शायद पानी के लिए तरस रहे हैं। हम हिंदुस्तान में तरह तरह की बातें करते हैं, इलेक्शन के
तरह तरह के कैंपेन्स हमने देखे हैं, कभी कोई किसी को गाली दे रहा है, कभी कोई किसी को चोर बोल रहा है, एक दूसरे पे लांछन लगाने में इतने हम व्यस्त हैं, लेकिन इन किसानों की सुध लेने वाला शायद कोई नहीं है। आशा करते हैं कि ये जो हमारी आवाज़ है, ये हिंदुस्तान का हर वो इंसान, हर वो व्यक्ति अपनी आवाज़ बनकर आगे पहुंचाएगा, यानी हर वो खेतिहार मजदूर का बेटा इस आवाज़ को उतनी बुलंदी से उठाएगा कि इन बहरे राजनेताओं के कान खुल सकें और वो हमारे शोर से इतने कांप जाएं कि इन पेड़ों को उखाड़ फेंके और वो जंगल है जहाँ पे इतने सारे जानवर हुआ करते थे, वो सारे जानवर वापस आएं, वो फल जो अब शायद कभी नहीं आ सकते, वो फलों के पेड़ जो जंगलों में ही हुआ करते थे, उस तमाम फल वापस आ सकें। ये जो लोग हैं, जो किसान हैं, जिनकी रोजी रोटी इस पानी और इसके आसपास के इलाकों से चलती थी, ये वापस से एक अच्छी ज़िंदगी व्यतीत कर सकें। वो लोग जो मजदूरी कर रहे हैं, वो अपनी खेतियों में जाके काम करेगा और आपके लिए और हमारे लिए वो तमाम प्रगति के रास्ते खोलेगा जो शायद हम कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। हम तमाम लोगों को सोचना चाहिए, अगर किसान नहीं है तो हिंदुस्तान नहीं है, अगर हिंदुस्तान ही नहीं है तो ना आप हैं ना हम हैं। बने रहें हमारे साथ द रूस्टर न्यूज़, जो आपको तमाम खबरें दिखाता है जो सीधे आपकी जड़ों से जुड़ी हुई होती हैं। सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि आपको तमाम खबरें मिलती रहें जो हम सिर्फ और सिर्फ आपके लिए बनाते हैं। धन्यवाद।